हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शी फास्ट किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यम्मी राइस। हमें चाहिए चिकन, यहाँ मेरे पास है एक टमाटर, एक प्याज, 3 गार्लिक, हाफ इंच जिंजर और 3 हरी मिर्च का पेस्ट। साथ ही साथ मेरे पास है यम्मी स्पाइस मिक्स। इसकी रेसिपी का लिंक आपको यहाँ कहाँ दिख जाएगा या फिर मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ हमारे पास है हल्दी, सॉल्ट, ऑयल और चिकन स्टॉक क्यूब। साथ ही साथ हमें चाहिए बासमती राइस, यम्मी स्पाइस मिक्स, चिकन स्टॉक क्यूब और कुछ मसाले जो मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले हम हमारे चिकन को मैरिनेट करेंगे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च के पेस्ट के साथ। साथ ही साथ डालेंगे हल्दी और नमक। साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे यम्मी स्पाइस मिक्स, ऑयल, इसमें शामिल करेंगे चिकन स्टॉक क्यूब और इसे मैरिनेट करने रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए। अब हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे, उसमें अब हम हमारी चिकन डालेंगे और इसे बिना तेल के ऐसे ही ढक कर पकाएंगे। आप देख सकते हैं चिकन ने थोड़ा पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं चिकन से कितना पानी रिलीज़ हुआ है। हमारी चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे एक वेसल में निकाल लेंगे। अब हम हमारी चिकन को इस तरह एक क्यूअर पर लगाएंगे और इसे गैस पर रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे कोल पर भी रोस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब हम हमारी बची हुई मिक्सचर में डालेंगे दही और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे घी, उसमें डालेंगे लौंग, तेज़पत्ता, काली मिर्च और कटा हुआ लहसुन। उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी 2 से 3 कप। अब हम इसमें शामिल करेंगे यम्मी मसाला मिक्स, चिकन स्टॉक क्यूब, साथ ही साथ थोड़ा सा नमक और इसे बॉईल करने रख देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइस। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सोक बासमती राइस और इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे राइस ऑलमोस्ट पक चुके हैं। थोड़ा सा पानी, इसे हम ढक कर अब पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे राइस बिल्कुल तैयार है। अब हम हमारे यम्मी राइस को असेंबल करेंगे। अब हम डालेंगे एक प्लेट में हमारे राइस, उसके ऊपर हम डालेंगे हमारी ग्रेवी, साथ ही साथ उसको डालेंगे अब हमारे चिकन, थोड़ा सा हरा धनिया और फ्राइड कैरेट्स। चिकन यम्मी राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।